अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। तो आज मैं एक और वीडियो के साथ आपके खुद नाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ पर्सनल वेबसाइट के पोर्टफोलियोज। अब उनको देखने का क्या फ़ायदा होगा हमें? उनको देख के हमें और आपको एक बहुत सी इंस्पिरेशन मिलेगी कि वेब डिज़ाइनिंग किस हद तक आप लोग कर सकते हैं, कि वेब डिज़ाइनिंग से क्या क्या हो सकता है। ओके, तो इन पर्सनल वेबसाइट्स को देखने से हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है और हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम वेब डिज़ाइनिंग में और क्या क्या कर सकते हैं और वेब डिज़ाइनिंग में भी और क्या बाकी रह गया है हमारे अंदर। ठीक है, तो इन जैसे पोर्टफोलियोज और वेबसाइट्स को देख के आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली वेबसाइट जो है मेरे पास वो है yuri.is। ठीक है, ये एक काफ़ी मॉडर्न वेबसाइट है जिसके ऊपर अगर आप इसका डिज़ाइन देखेंगे, जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है इसका। सबसे पहले तो आप देखें मेन्यूज मेरे पास, ठीक है, एक बड़ी इनकी स्मूथ सी ट्रांजिशन है। अब मैं अगर स्क्रॉल डाउन करता जाऊँ तो आप देखें किस तरह मेरे पास हर चीज़ रिप्रेजेंट हो रही है। मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, अभी अपने बारे में बायोडाटा भी दे रहा है, ठीक है, फिर इनका 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ओके, अब ये देखें, ये सब चीज़ें वेब डिज़ाइनिंग में हुई हुई हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग भी वेब डिज़ाइनिंग में कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखें, मैं जैसे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ मुझे रिजल्ट्स मिलते जा रहे हैं और मुझे फिर बीच में एक गेम भी मिल चुकी है। ठीक है, मैंने एक पे क्लिक किया और अब आप देखें ये सारा मेरे पास वेब डिज़ाइनिंग में हो रहा है। ओके, ये अपने बारे में अपनी हर चीज़ बता रहे हैं और यहाँ पर मेरे पास एंड होगी वेबसाइट ये वाली। तो आप देखें, अब अगर आप सिर्फ इसको नोट करें, ये पूरी वेबसाइट आप लोगों ने इस तरह की वेबसाइट शायद ही कम देखी हो। इस तरह की वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और साथ एक मेहनत चाहिए होती है, एक बंदे की क्रिएटिविटी चाहिए होती है। ओके, तो इस तरह की वेबसाइट्स आप लोग भी बना सकते हैं, बस आप लोगों ने करना क्या होगा कि आप लोगों को कोड आना चाहिए, आप लोगों के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए और आप बना सकते हैं। अब एक नेक्स्ट वेबसाइट पे चलते हैं जो कि क्वाइट इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, अल्बिनो टोनिना। ओके, इस वेबसाइट का नाम है। अब आप देखें, ये पूरी वेबसाइट सिर्फ स्क्रोल के हिसाब से बनी हुई है, सिर्फ इसमें आप स्क्रोल का काम करेंगे। मैं जैसे जैसे स्क्रोल करता जाऊँगा ये अपने बारे में हमें बताता जाएगा। ठीक है, मैं स्क्रोल कर रहा हूँ सिर्फ, ये अपने बारे में हर चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, और स्क्रोलिंग के ज़रिए सारा कुछ चल रहा है और आखिर में जाके इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। देखें, जैसे ही पेज ख़त्म हुआ उन्होंने क्या नोट लिख दिया कि समथिंग वेंट रॉन्ग, मुझे कॉन्टैक्ट करें। अब ये इनको कॉन्टैक्ट करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, किसी यूज़र को लगेगा कि कुछ रॉन्ग हो गया है तो वो उनको कॉन्टैक्ट कर लेंगे, हालाँकि कुछ रॉन्ग नहीं हुआ, इन्होंने कोड ही ऐसा बनाया है। ओके, तो अब देखें कि अब एक और आपके पास एक क्रिएटिव आइडिया क्या है कि सिर्फ स्क्रॉल के जरिए वेबसाइट बनी हुई है। इसकी बैकहैंड पे बहुत सा कोड हुआ होगा, लेकिन अगर आप देखें तो आखिर में सब कुछ स्क्रॉल की मदद से ही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की वेबसाइट्स भी बन सकती हैं जो सिर्फ स्क्रॉल की वजह से हो। अब आप देखें, आपने शायद इस तरह का आपके अंदर आइडियोलॉजी नहीं आई होगी कि यार मैं स्क्रॉल से भी वेबसाइट बना सकता हूँ, इसमें सिर्फ स्क्रॉल काम करेगा। ओके, तो इस तरह की पर्सनल वेबसाइट्स को देख के हमें एक इंस्पिरेशन मिलती है कि हम किस हद तक वेब डिज़ाइनिंग को लेके जा सकते हैं। अब चलते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट पे। ये भी मेरे पास एक मॉडर्न डिज़ाइन की वेबसाइट है और इन्होंने भी बड़ा मिनिमलिस्टिक काम किया हुआ है। आप देखें, इन्होंने पीछे कुछ शेप्स बनाई हुई जो कि मैं जब माउस को इधर उधर कर रहा हूँ तो हिल रही है। ठीक है, अब आप इनको देखें, इन्होंने वेबसाइट किस तरह बनाई हुई है, अपनी एनिमेशन आप इनकी देखें। इन्होंने हमारे पास एक मोड लगाया हुआ है कि क्या ब्लैक रखना है हमने मोड या वाइट मोड रखना है। ठीक है, उसके बाद इनके जो अवार्ड्स हैं, इनके अवार्ड्स भी हम देख सकते हैं और इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, अब अगर मैं इसको नीचे करूँ तो ये अपना वर्क दिखा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या सीख सकते हैं, यहाँ से आप ये सीख सकते हैं कि कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत से लोग वेबसाइट बनाते हैं सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए कि हम कौन हैं, तो आप इनसे सीख सकते हैं कि कैसे आप लोग अपना वर्क रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रिप्रेजेंट करने का हमारे पास तरीका है। ओके, अब ये देखें, ये सारे इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ये दिखा रहे हैं हमें, तो एक रिप्रेजेंट करने का इनका आप तरीका देख सकते हैं।
ठीक है। तो ये हमारे पास होगी एक वेबसाइट, इसका नाम है रिकार्डो जनोता। ओके, अब जो लास्ट टू वेबसाइट्स हैं वो है वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स, ठीक है। यहाँ इन दो वेबसाइट्स पर आप देखेंगे कि एक हद हो चुकी है कोडिंग की, कि ऐसे डिज़ाइंस हैं जो कि क्वाइट मिनिमलिस्टिक और इमेजिनेशन से हद तक है। आते हैं अपनी वेबसाइट पर, ये वेबसाइट है jj.com, ठीक है। पूरा नाम इसका है जैक जेजनेच, ओके, लेकिन इसको जेजे कह सकते हैं। अब आप इनको देखें तो आप इनका सिर्फ माउस का ही स्टाइल देख लें कि इन्होंने एक ऐसा इफेक्ट डाला हुआ है कि जैसे जैसे मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो मेरे पास एक फ्लेयर जैसी लाइन बन रही है, ठीक है। मैं जिस तरह लेके जाना चाहूँ लेके जा सकता हूँ, ये लाइन बनती रहेगी जब जब मैं माउस हिलाऊँगा, ठीक है। और अब ये देखें, जिस जिस लेटर के ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ माउस, वो सब लेटर्स हिल भी रहे हैं, ओके। इनके आप डिज़ाइन चेक कर लें। अब मैं थोड़ा नीचे अगर करूँ, और यहाँ देखिए साउंड ऑफ एंड ऑन का भी ऑप्शन है मेरे पास। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये अपनी पोर्टफोलियो दिखा रहे हैं। आप इनका रिप्रेजेंट करने का भी तरीका देख सकते हैं, किस तरह इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैं जैसे जैसे नीचे करता जा रहा हूँ, मेरे पास डिफरेंट तरह की चीज़ें आती जा रही हैं कि जिनमें इन्होंने काम किए हुए हैं, ठीक है, इन्होंने जिसमें काम किए हुए हैं और साथ साथ ये कहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। और आप देखिए जिस साइड पर मैं माउस लेके जा रहा हूँ उस साइड पर रोटेशन हो रही है। तो इस तरह के डिज़ाइन बनाना आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करे तो इस तरह के काम भी कर सकता है, ठीक है। मैं जैसे जैसे नीचे लेके जा रहा हूँ तो उनके कोर्सेज भी मेरे पास आते जा रहे हैं, ठीक है। और आखिर में इनका कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया और उन्होंने अपनी लोकेशन भी दी हुई है कि मैं कहाँ रहता हूँ, सही। तो आप अब देखें इस वेबसाइट के ऊपर इन्होंने कितना टाइम लगाया होगा, लेकिन आप एक और चीज़ ये भी देखें कि इन्होंने इस तरह की वेबसाइट बना के दिखाया है। अब अगर आप कहें कि आपने बहुत अच्छी वेबसाइट बना ली है, अब इससे अच्छी तो वेबसाइट बन नहीं सकती, तो इस तरह की वेबसाइट्स अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि अभी तो बहुत कुछ रहता है, ओके। अब लास्ट वेबसाइट पर चलते हैं, इसका नाम है जैकब लीच। ये वेबसाइट क्वाइट विंटेज लुक में बनी हुई है, ओके। अब आप अगर देखें तो हमारे पास कर्सर के ऊपर एक इफेक्ट है राउंड सा, ठीक है। और अब इनकी वेबसाइट को देखें तो एक बहुत मिनिमल इनका लुक है और क्वाइट विंटेज लुक है, ये देखें। जैसे जैसे मैं नीचे करता जाऊंगा तो आप देखें मेरे पास बहुत से अदर ऑप्शन आ रही हैं। जिस तरह के मैं इस पर क्लिक करूँ तो मुझे एक टिप दे रहा है, ओके, सेट अ मैक्स विथ विथ CH यूनिट टू मेक योर टेक्स्ट एलिमेंट ईजी टू रीड। अगर मैं विथ को थोड़ा बढ़ा लूँ, ठीक है, तो मेरा टेक्स्ट ईजी हो जाएगा रीड करने के लिए। अब अगर मैं नीचे करता जाऊँ तो आप इनका डिज़ाइन सिर्फ देखें, इन्होंने किस तरह हर चीज़ रिप्रेजेंट की हुई है, ठीक है। ये है इनकी वेबसाइट पूरी, इनके रिप्रेजेंट करने का तरीका, इनकी ट्रांजिशन, सब चीज़ें सारे कोड के जरिए होती हैं, ओके। ये सारा कोड है हमारे पास, सारी वेब डिज़ाइनिंग है, ओके। तो अगर कोई कहे कि वेब डिज़ाइनिंग उन्होंने सीख ली है तो आप वो एक प्रोफेशनल बन गए हैं, तो इस तरह की वेबसाइट्स आप इनसे इंस्पायर हों और उसके बाद आप इस तरह की वेबसाइट बनाने की कोशिश करें, इनसे भी बेहतरीन बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है कि वेब डिज़ाइनिंग अगर किसी को आती है तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे वेबसाइट डिज़ाइनिंग आती है तो मैं प्रोफेशनल बन गया। उनको कोशिश करते रहना चाहिए और इस तरह की इंस्पिरेशनल वेबसाइट्स पे आना चाहिए ताकि वो अपने आप को और बेहतर कर सकें। तो कैंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, बेल आइकन दोबारा बिल्कुल मत भूलें, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि जिसने भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव नॉलेज लेनी है वो ले सकें। स्टूडेंट्स एंड माई व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़।